नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोवा की 40 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया दोस्तों। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी आगे, इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब 5 राज्यों के चुनाव से पहले पंजाब के अंदर एक और चुनाव में भयंकर गड़बड़ी को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, धर्म संसद और बुल्लीबाई ऐप जैसे मामलों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आईआईटी के पूर्व छात्रों ने खोला मोर्चा, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आजम खान और उनके बेटे, इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कर्नाटक के एक मंत्री ने जो है मोर्चा खोल दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है, राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है, क्या है बयान, ये भी आगे आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सर्वे करने वाली कंपनियां अपना अपना सर्वे रख रही हैं। इसी बीच गोवा की 40 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े दोस्तों चौंकाने वाले आए हैं। आपको बता दें कि गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें अगर ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करें तो इस बार बीजेपी की सरकार यहां पर नहीं बनेगी, बीजेपी 11 से 13 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस पार्टी को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं और अदर के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर गोवा के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के बाद हुए मेयर के चुनाव में भयंकर गड़बड़ी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अब जो है कोर्ट का रुख किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की है। इस बाबत मेयर पद की दावेदार पार्टी पार्षद अंजू कत्याल समेत प्रेम लता और रामचंद्र यादव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर दिया है। दायर की गई याचिका में मेयर के चुनाव में को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य चुनाव अधिकारी नगर निगम और दूसरे प्रतिवादियों को मेयर पद के ताजा चुनाव करवाए जाने के आदेश देने की भी मांग की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट 19 जनवरी को यानी कि आज अपना फैसला सुनाएगा। यानी कि चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर पद का चुनाव हुआ है उसमें धांधली की गई थी और इसमें बीजेपी ने पहले हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की, जब वहां से बीजेपी नहीं जो है मामले को संभाल पाई तब बताया जा रहा कि चुनाव अधिकारियों के जरिए इस चुनाव में बेईमानी की है, जिसको लेकर के बताया जा रहा कि हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए करेंगी चुनाव प्रचार, टीएमसी का समर्थन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल गया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं, सपा उपाध्यक्ष किरणमय जो है नंदा ने मंगलवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख टीएमसी ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में अपनी आगामी रैली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ शामिल होंगी। मंगलवार को कोलकाता में अपनी ममता बनर्जी ने मुलाकात करने वाले किरणमय नंदा ने कहा है कि टीएमसी
की प्रमुख 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त वर्चुअल रैली करेंगी। रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। यानी कि यूपी चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी का खेला अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जिस तरह से हरिद्वार में हुई नफरती धर्म संसद और बुल्लीबाई ऐप जैसे तमाम मामलों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, इस मामले पर आईआईटी के छात्रों ने एक और मामला जो है उठा करके पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, आईआईटी के 100 से अधिक पूर्व छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिख करके कहा है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं लेकिन देश पर संकट के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हेट स्पीच धर्म संसद देश में हो रही है और बुल्लीबाई जैसे ऐप के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चुप्पी साधे हुई है, यह काफी दुखद है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो यह बहुत गंभीर होगा देश की एकता अखंडता के लिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आजम खान लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। आप इस खबर को देख सकते हैं, आजम खान बताया जा रहा है कि अब जो है राम शहर से उनको टिकट दिया जाएगा। स्वार टांडा से बेटे अब्दुल्ला भी चुनावी मैदान में आएंगे। यानी कि योगी सरकार चाहे जितना कोशिश कर ले कि आजम खान उनकी फैमिली चुनाव न लड़ पाए, इसमें अब वो कामयाब होने वाले नहीं है और ये बात खुद आजम खान की फैमिली की तरफ से कही गई है। और अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आजम खान को रामपुर से टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। आप इस खबर को देख सकते हैं, जिस तरह से देश में लगातार कोरोना की जो है थर्ड वेव बढ़ती जा रही है, ऐसे में नेताओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जिस तरह से देश में मास्क लगाओ और तमाम जैसे जो है कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के नियम बनाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता उनके नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री ने मास्क लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि व्यक्तिगत निर्णय है मास्क लगाना, इस वजह से हम मास्क नहीं लगाएंगे। यानी कि जो नियम जनता के लिए बनाए जा रहे हैं उसका खुद पालन बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, किसानों के नेता राकेश टिकैत का बहुत बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि मतदान के वक्त 13 महीने चला आंदोलन किसान जरूर याद रखें और जिस तरह से हमको सताया गया है, परेशान किया गया है, उसको हम कभी नहीं बोलने वाले हैं। चुनाव से पहले किसान इस चीज को जरूर याद रखेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, एमपी के मंत्री ने पीएम मोदी को बताया ईश्वर का अवतार, भगवान राम और कृष्ण से तुलना करते हुए कह दी ये बहुत बड़ी बात। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।